शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं सर्वनाम और विशेषण। इस वीडियो का फायदा क्या होगा कि एक साथ हमें दोनों में अंतर पता चल जाएगा और उसके बाद सर्वनाम और जो विशेषण का हमारा जो कन्फ्यूज़न होती है वो दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं और विशेषण शब्द कौन से होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं सर्वनाम और विशेषण। सर्वनाम और विशेषण, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पिछली वीडियो में मैं करवा चुका हूँ, इनकी परिभाषा इनके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी हम दोबारा लिखते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर, संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा जो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करते हैं वो संज्ञा होती है, जैसे राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे राम संज्ञा शब्द आया हुआ है, परंतु उसके आगे जब उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ उसके, हमने ये नहीं कहा राम के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में, तो जो उसके बारे में हम बात करते हैं तो जिन शब्दों का उसके लिए प्रयोग करते हैं वो हमारी सर्वनाम होती है। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है, तो देखिए यहाँ पे हमने वह का प्रयोग किया। उसके पास एक साइकिल है, तो यहाँ पे उसके आ गया। उसकी लिखाई सुंदर है, यहाँ पे उसकी आ गया। उसको फल अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? उसको। तो राम की जगह देखिए क्या क्या है, वह, उसके, उसको, उसका, तो ये राम की जगह जो शब्द आए हैं उनको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। अब बात करते हैं हम विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ बताता है, यानी कि उनकी विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करता है, विशेषता का मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमें बताता है, कुछ भी बताता है, वो विशेषण कहलाता है। तो परिभाषा में हम ये लिखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। परंतु समझने के लिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमें कुछ बताता है, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमें कुछ बताता है, जैसे वह लंबा लड़का है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। उसके बारे में क्या बता रहा है? कि वो लंबा है। राम छोटा लड़का है, अब राम के बारे में क्या बता रहा है? कि वो छोटा है। फूल सुंदर है, तो फूल के बारे में क्या बता रहा है? सुंदर।
तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमें कुछ बताते हैं। अब नीचे हमें एक बॉक्स दिया है, इसके अंदर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से हमें सर्वनाम और विशेषण अलग अलग नीचे जो हमें दो कॉलम दिए हैं इनके अंदर लिखने हैं। तो इससे हमें और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं, अब मैं किसी की विशेषता नहीं बता रहा, मैं तो खुद है कि मैं, तो ये किसी के बारे में कुछ नहीं बता रहा, ये खुद के बारे में खुद बोल रहा है कि मैं। तो मैं क्या हुआ, हमारा सर्वनाम। और मैं कौन, उसका कोई नाम है, जैसे राम, राम बोल रहा है कि मैं, तो मैं किसकी जगह आया, राम की जगह। तो राम क्या है, संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पे क्या आ गया, मैं। तो मैं हमारा सर्वनाम है। उसके बाद तुम किसकी जगह आए है, जैसे राम, राम के बारे में कह रहे हैं कि राम तुम अच्छे लड़के हो, राम अच्छे लड़के हैं, तो राम की जगह क्या आ गया, तुम, वो भी संज्ञा के स्थान पे आया है तुम। फिर छोटा, आप छोटा किसी का नाम नहीं है और ना किसी के नाम के बारे में कुछ कह रहा है, हाँ नाम के बारे में कह रहा है कि छोटा, जैसे छोटा फूल, छोटा बच्चा, वह छोटा है, तो यहाँ पे वो किसी के बारे में बता रहा है, किसी के बारे में बता रहा है कि क्या चीज़ छोटी है, जो चीज़ है वो क्या है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है, तो उसके बारे में बता रहा है। तो छोटा क्या हुआ, हमारा विशेषण, छोटा क्या हुआ, विशेषण। उसके बाद यह है, अब यह है क्या, जैसे यह है, तो ये किसके बारे में आया, यह है, ये पेन के बारे में आया है, तो पेन क्या है, संज्ञा, और उसके बारे में यह है, तो ये क्या हो गया, हमारा सर्वनाम, क्या हुआ, सर्वनाम। उसके बाद आप, मेरे सामने मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको मैं कहता हूँ आप, तो मैं किसको कह रहा हूँ, उस व्यक्ति को, और व्यक्ति क्या है, संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पर आया है आप, तो ये सर्वनाम है। सुंदर, क्या सुंदर, पेन सुंदर, पेंसिल सुंदर, है ना, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वो, तो सुंदर क्या चीज़ है, या तो सर्वनाम है या फिर संज्ञा है, तो ये हमारा क्या हुआ, विशेषण। तो उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, सुंदर है। उसकी, किसकी, राम की, सीता की, गोपाल की, तो उसकी का मतलब ये संज्ञा के स्थान पे आया है, तो उसकी क्या है, सर्वनाम, उसकी क्या है, सर्वनाम। प्यारा, प्यारा बच्चा, प्यारा फूल, प्यारा घर, प्यारा स्कूटर, तो देखिए सारे के सारे हम संज्ञा के साथ में लगा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, विशेषण, प्यारा। उसके बाद है वे, वे, वे कौन, राम, गोपाल, सीमा, लड़की, ये खड़े हैं, तो हम उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वे, तो इसका मतलब जितनी भी वहाँ पे संज्ञा है उन सभी के लिए हम कह रहे हैं, जितने नाम हैं उनके बारे में हम कह रहे हैं कि वे, तो ये क्या हुआ, सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं हम। उसके बाद नमकीन, तो नमकीन क्या, नमकीन फल, नमकीन चाय, नमकीन भुजिया, तो ये क्या है, किसके बारे में कह रहे हैं हम, संज्ञा के बारे में कुछ बता रहा है ये, नमकीन, तो ये क्या हुआ, हमारा विशेषण, क्या हुआ, विशेषण। उसके बाद हमारा, हमारा किनका, हम सब, कौन कौन, राम, गोपाल, सीमा, इन सब का हमारा, तो किस, कौन, इन सब के, राम, सीमा, गोपाल, उनकी जगह ये नाम आया हमारा, तो ये क्या हुआ, सर्वनाम, क्या है ये, सर्वनाम। हरा, हरा पत्ता, हरा पेड़, हरा कपड़ा, तो क्या हुआ ये, अब समझ में आने लग गया ना, मैं बोलता हूँ मेरे ख्याल में, उससे पहले आप बता देते हो कि ये विशेषण है, ये सर्वनाम है। प्यासा, प्यासा कौवा, प्यासा जानवर, प्यासा व्यक्ति, प्यासा लड़का, तो ये क्या हुआ, हमारा विशेषण। वह, कौन वह, राम,
राम अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है, तो राम की जगह क्या आया वह, तो ये क्या है हमारा सर्वनाम। मासिक, मासिक पत्रिका, मासिक अखबार, तो ये संज्ञा के बारे में बता रहे कि अखबार कब आ रहा है, महीने में एक बार, उसकी विशेषता ये कि वो एक ही बार आ रहा है, प्रतिदिन नहीं आ रहा, तो मासिक क्या है विशेषण। उसके बाद उन्हें, किन्हें, जो हमारे सामने खड़े हैं राम सीता गोपाल, तो उन्हें, उनके लिए हमने यूज किया, प्रयोग किया है, तो उन्हें क्या हुआ सर्वनाम। उनका, वही फिर बात आई कि उनका जो हमारे सामने खड़े हैं या दूर खड़े हैं या कभी आए थे हमारे पास, ये उनका है। उसका ये भी क्या है सर्वनाम। समझ में आ रहा है ना आप सबको, तो अब आपका जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ संदेह था वो दूर हो गया होगा। लाल, लाल क्या है, लाल पत्ता, लाल फूल, लाल कपड़ा, तो ये भी हमारा सर्वनाम। हम कौन, हम सारे, राम गोपाल सीमा, तो राम क्या है सर्वनाम। मेरा, मेरा क्या है सर्वनाम। इसका, ये क्या है, इसका मतलब गीता का, गोपाल का, तो ये भी हमारा सर्वनाम। दानी कि कौन होता है, दानी, दानी व्यक्ति, दानी पंडित, दानी लाला, है ना, दानी राजा, तो किसके साथ आया ये संज्ञा के साथ, है ना, दानी व्यक्ति, यहाँ हम संज्ञा बोल रहे हैं, तो संज्ञा सर्वनाम की ये विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा हुआ विशेषण। तुम्हारा सर्वनाम, तुम्हारा मतलब जैसे गोपाल का, तो गोपाल क्या है संज्ञा, संज्ञा की जगह ये आ गया तुम्हारा। हम दोबारा आ चुके हैं, पहले हम कर चुके हैं हम। रंगीला, रंगीला कपड़ा, रंगीला मकान, रंगीला वस्त्र, तो ये उन सब की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है, रंगीला है। तुम्हारा, तुम्हारा अभी आया हमारा पहले तुम्हारा, उसके बाद ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति, कौन है ज्ञानी, राम ज्ञानी है, तो राम क्या हुआ संज्ञा। वह ज्ञानी है, तो वह क्या हुआ सर्वनाम, तो उसके बारे में बता रहा है कि ज्ञानी है। तो आज आपका सर्वनाम और विशेषण के बारे में कोई संदेह था वो मेरे हिसाब से दूर हो गया होगा। थैंक यू।